योगी सरकार के 19वें मंत्री जय कुमार सिंह जैकी कोरोना संक्रमित, बोले घर में आइसोलेट हूँ। यूपी में महामारी के बीच कोरोना किट घोटाला आया सामने, सीएम योगी ने जांच के लिए गठित की एसआईटी। अमरोहा में एनकाउंटर के बाद 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, गोली लगने से एक सिपाही भी घायल। गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में टैक्सी में मिला युवक का शव, शरीर पर है चोट के कई निशान, जांच में जुटी पुलिस। भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता ने रामपुर में एसडीएम को ज्ञापन देकर किसानों की समस्या का निस्तारण करने की उठाई मांग। राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा की एक बैठक मिलक रामपुर में हुई संपन्न, नलिन सिंह ने युवाओं से किया आह्वान, ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने के लिए आगे आए। संबल में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे, दोनों पक्षों के 10 लोग घायल। मर्जी से शादी न करने पर परिजनों ने बेटी और दामाद को मारी गोली, रामपुर के पटवाई थाना क्षेत्र का मामला। बाइक की चपेट में आकर मजदूर की मौत, पत्नी ने बच्चों के साथ किया नेशनल हाईवे जाम, आजमगढ़ जिले के अग्रोलिया थाना क्षेत्र की घटना। झांसी के मऊरानीपुर और तोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र में हैंडपंप से पानी की जगह निकलने लगी शराब, पुलिस के उड़े होश। बदमाशों ने पहले हाथ सैनिटाइज किए, फिर तमंचे के बल पर लूट लिए 40 लाख रुपए। अलरगढ़ के बन्ना देवी क्षेत्र स्थित एक ज्वेलरी की दुकान में की वारदात। योगी सरकार ने किया 15 आईएएस अधिकारियों का तबादला, मेरठ के डीएम पर गिरी गाज। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर हुए बड़े पैमाने पर तबादले, 49 डिप्टी एसपी इधर से उधर। यूपी पीसीएस 2018 का अंतिम रिजल्ट घोषित, अनुज नेहरा बनी टॉपर, संगीता राघव दूसरे स्थान पर, ज्योति शर्मा को मिला तीसरा स्थान। यूपी पीसीएस 2018 के रिजल्ट में कासगंज के दो सगे भाइयों का हुआ चयन, बोले सब माता पिता का है आशीर्वाद। रामपुर के मिलक मजरा निवासी प्रधानाचार्य के बेटे आदेश सागर ने पास की लोक सेवा आयोग की परीक्षा। राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की कवायद शुरू, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले नेताओं को किया कांग्रेस से दरकिनार। फिर चला योगी सरकार का बुलडोजर, अब अतीक अहमद के भांजे का प्रयागराज में अवैध निर्माण ध्वस्त। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी नरेंद्र गिरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, माघ मेले समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। कोविड संक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश भर में आज से शुरू हुआ 80 ट्रेनों का संचालन।